असलम एवरी वन वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मसल्स ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई ये हमारे पास अडक्टर मसल्स होते हैं जो अडक्शन करवाते हैं सो so, जो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में मसल्स आएंगे वो मेनली हमारे पास अडाक्टर ही आएंगे ठीक है इसमें हमारे पास हैं इंक्लूड फाइव मसल्स जिसमें आता है सबसे पहले अडाक्टर लोंगस देन है डॉक्टर ब्रेविस उसके बाद आता है डॉक्टर मैग्नस ग्रेसिलस एंड पैक्टेनियस ठीक है तीन अडाक्टर हैं एक लोंगस है एक मैग्नस है एक ब्रेविस है एक ग्रेसिलस है और एक पैक्टेनियस है ठीक है हम इसमें देखेंगे इसका ओरिजन इंसर्शन नर्व प्लाई और एक्शन और यहाँ से हम देखेंगे इसके ओरिजन को और यहाँ पर देखेंगे हम इसके इंसर्शन को सो सबसे पहले आता है हमारे पास है लोंगस अडॉक्टर लोंगस का ओरिजन देख लेते हैं इट अराइज बाय मिनिट ओरिजिनेट बाय A narrow flat tendon from front of body of pubis between pubic crust and the pubic symphysis. क्या है हमारे पास अडक्टर लोंगस ये है ठीक है दिस इज़ दी अडक्टर लोंगस आपने अगर इसके ओरिजिन इंसर्शन को आप ए, अच्छे से याद करना चाहते हैं और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए इनके ओरिजिन इंसर्शन का तो आपने क्या करना है इनको पहले ड्रॉ कर लेना बहुत सिंपल डायग्राम है फिर ये होगा कि सारे हमारे पास इजिली लिखे जाएंगे मैं जल्दी जल्दी हम इसका ओरिजिन इंसर्शन लिख लेंगे उसके अलावा डायग्राम से याद भी हो जाएंगे ठीक है सबसे पहले आता है डॉक्टर लोंगस दिस इज अ डॉक्टर लोंगस ये एक फ्लैट टेंडन के थ्रू हमारे पास अराइज होता है बॉडी ऑफ प्यूबिस ठीक है ये होती है प्यूबिस ईशियम दिस इज ईलियम दिस इज ईलियम दिस इज प्यूबिस दिस इज ईशियम ठीक है यहाँ पर होगी ईशियल टिब्रोसटी दिस इज प्यूबिस सो जो प्यूबिक बॉडी ऑफ प्यूबिस है वहाँ से एक टेंडन के थ्रू अराइज होता है बिटवीन प्यूबिक क्रस्ट एंड प्यूबिक सिंफोसिस ये क्या है हमारे पास प्यूबिक सिंफेसिस है मीन जहां पर दो प्यूबिक बोन्स जो हैं मिलती हैं और सिंफिस बनता है ठीक है प्यूबिक सिंफिस और उसके अलावा जो प्यूबिक क्रस्ट है उनके दरमियान होता है हमारे पास फ्लैट टेंडन किसका अडक्टर लोंगस का और उसका इंसर्शन कहाँ होता है हमारे पास लीनिया इस्प्रा लीनिया एस्प्रा इन मिडल वन थर्ड बिटवीन वार्स्टिस मिडियालिस एंड एडक्टर मैग्नस एंड एडक्टर ब्रेविस लीनिया पर हमारे पास कहाँ होती है फीमर के ऊपर ये लाइन प्रेजेंट होती है लीनिया एस्प्रा दिस इज लीनिया एस्प्रा दिस इज अडॉक्टर लोंगस ये कहाँ से हो रहा है हमारे पास मीडियल मीडल वन थर्ड ऑफ लीनिया स्प्रा से और ये कहाँ पर होता है वास्टस मीडियालिस और ये जो दो डक्टर हैं इनके दरम्या मीन ये जो हमारे पास मार्जिन है ये मीडियल साइड है दिस इज अडक्टर ट्यूबरकल डर ट्यूबरकल कहाँ पर होता है मीडियल साइड पे होता है डक्टर हमारे पास आएंगे ही मीडियल साइड पे ठीक है क्योंकि हम मीडियल कंपार्टमेंट को देख रहे हैं सो so, ये क्या है मीडियल साइड यहाँ पर होता है वास्टस वास्टस मीडियालिस जो कि मसल ऑफ फ्रंट ऑफ थाई में आता है सो वास्टस मीडियालिस और ये जो दो मसल हैं एक मैग्नस और एक ब्राविस इनके दरम्यान होता है अडक्टर लोंगस चार मसल याद करने एक मैग्नस और एक ब्राविस और एक वास्टस मीडियालिस इनके दरमियान होगा अडक्टर लोंगस इसको नर्व सप्लाई कौन सी है इंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्चूरेटर नर्व मोस्टली जो हमारे पास एडक्टर मसल्स आएंगे उसको ऑप्चरेटर नर्व ही सप्लाई करेगी सो so, उसकी कौन सी डिवीजन इंटीरियर डिवीजन और इसका एक्शन क्या है इट इज पावरफुल अडक्टर ऑफ थाई एट हिप जॉइंट मीन थाई का जो पावरफुल अडक्टर है वो क्या है अडक्टर लोंगस लोंगस है बड़ा है सो पावरफुल अडक्टर है मीन अडक्शन मूवमेंट करवाता है हिप जॉइंट पे नेक्स्ट है हमारे पास अडक्टर ब्रेविस मीन ये छोटा है ब्रेविस है डॉक्टर ब्रेविस इसका ओरिजिन कहाँ से होता है बॉडी ऑफ प्यूबिस उसका भी एंटीरियर सरफेस इंफीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस उसका आउटर सरफेस रैमस ऑफ ईशियम उसका आउटर सर्फेस आपने इस तरह से याद कर लेना बहुत इजीली इनका ओरिजिन याद हो जाएगा बुक पे थोड़ा बड़ा बड़ा दिया हुआ है सबसे पहले आता है बॉडी ऑफ फ्यूबिस हम देख लेते हैं कि अडॉक्टर ब्रेविस है कहाँ पे ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये क्या है अडॉक्टर ब्रेविस है ये हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है बॉडी ऑफ फ्यूबिस पे भी है रैमस ऑफ फ्यूबिस भी इसका कुछ पार्ट आ रहा है उसके अलावा हमारे पास रेमस ऑफ की जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर भी इसका ओरिजन हो रहा होता है ठीक है इंसर्शन कहाँ पर है लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेसर टू कंटर टू दी अपर पार्ट ऑफ लीनिया एस्प्रा ये जो छोटी सी आपको लाइन दिख रही है ना ये है डॉक्टर ब्रेविस के इंसर्शन के लिए ठीक है कहाँ पर फीमर की जो Uh, हमारे पास लेसर टू कैंटर है वहाँ से लेकर जहाँ पर लीनिया स्प्रा का अपर पार्ट होता है उसके दरमियान एक लाइन होती है ठीक है वहाँ पर इसका इंसर्शन होता है अडक्टर ब्रेविस का बिहाइंड अडक्टर लोंगस किसके पीछे होती है अडक्टर लोंगस के हमने पहले बात की ये जो फ्रंट पे लाइन आ रही है ना डॉटेड लाइन ये है अडक्टर लोंगस के लिए सो उसके पीछे कौन सी दूसरे नंबर पे लाइन आ रही है ये है अडक्टर ब्रेविस के लिए सो ये किसके पीछे है अडक्टर लोंगस के बिहाइंड है आपने ये जो रिलेशन है ना इंटीरियर पोस्टीरियर के बिहाइंड के ये आपने डायग्राम से ही देख के कर लेने ठीक है बहुत ईजी है सो लोंगस के पीछे छुपा हुआ है ब्रेविस ठीक है इट इज़ बिहाइंड द अडक्टर लोंगस नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं नर्व सप्लाई को इंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्चरेटर नर्व मेनली मेनलीप्चुरेटर नर्व ही सप्लाई करेगी बस बट उसकी डिवीजन इंटीरियर और दी पोस्टीरियर और इसका फंक्शन क्या है एक्शन क्या परफॉर्म करता है एडक्शन का उसके अलावा फ्लेक्जन ऑफ थाई एडक्शन भी करवाएगा और फ्लेक्जन भी करवाएगा नेक्स्ट आता है हमारे पास अडक्टर मैग्नस अडक्टर मैगनस कहाँ पर है दिस इज दी अडक्टर मैग्नस ठीक है इसका ओरिजन होता है इन्फ्रोलेट्रल पार्ट ऑफ ईशियल ट्यूब्रोसिटी रैमस ऑफ ईशियम एंड प्यूबिस मीन जो ईशियल ट्यूबरोसिटी है उसके जो इन्फ्रोलेट्रल पार्ट है इन्फीरियर है और लेटरल मीन बाहर वाली साइड पे एसीटैबलम वाली साइड पे ठीक है इन्फ्रोलेट्रल पार्ट है नीचे वाला पार्ट है उसके अलावा दोनों के रैमस किस किस का ईशियन का और प्यूबिस का ठीक है इन जगहों से हमारे पास ओरिजिन हो रहा है डॉक्टर मैगनस का दिस इज अ डॉक्टर मैगनस और इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है मीडियल मार्जिन ऑफ ग्लूटल ग्लूटियल लीनिया लीनियाप्रा मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन अडक्टर ट्यूबर्कल कहाँ कहाँ है ये सब लीनिया एस्प्रा ठीक है कौन क्या चीज हमारे पास अडक्टर मैग्नस दिस इज द लीनिया एस्प्रा ये जो लंबी लाइन है ये अडक्टर ट्यूबर्कल ठीक है उसके अलावा मीडियल सुपरा कोंडाइलर लाइन यहाँ पर होती है मीडियल सुपरा कोंडाइलर लाइन ये वाली उसके अलावा कहाँ से हो रहा पर, हो है मीडियल मार्जिन ऑफ ग्लूटल ट्यूब्रोसटी यहाँ पर मीडियल मार्जिन होगी ग्लूटियल ट्यूब्रोसटी की वहाँ पर चार जगह हैं मीडियल मार्जिन ऑफ ग्लूटियल ट्यूब्रोसटी लीनिया एस्प्रा मीडियल सुपरा कॉन्डाइलर लाइन और अडक्टर ट्यूबर्कल अडक्टर ट्यूबरकल कहाँ पर होता है मीडियल साइड पे होता है नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं नर्व सप्लाई इसके टू पार्ट्स होते हैं एक होता है अडक्टर पार्ट एक होता है हेमस्ट्रिंग्स पार्ट जो अडक्टर पार्ट है वो मीडियल साइड पे आएगा हेमस्ट्रिंग्स है, पार्ट है वो पोस्टीरियर साइड पे आएगा मीन जो मीडियल पार्ट होगा उसको ऑब्वियसली कौन सी नर्व सप्लाई करेगी ऑब्चुरेटर नर्व और जो हैम्स वाला पार्ट होगा हेमस्ट्रिंग्स हमारे पीछे होते हैं सो उसको सप्लाई करेगी टीबियल पार्ट ऑफ शैटिक नर्व मीन जो शैटिक नर्व है उसकी जो ब्रांच है टीबियल पार्ट उसका जो टीबियल पार्ट है वो सप्लाई करता है इसके हैम्स वाले पार्ट को ठीक है मैगनस है आपने मैगा से याद कर लेना इसके टू पार्ट्स होंगे मीन टू डूअल ब्रांच होगी डबल डबल नर्व सप्लाई ठीक है दो नर्व्स इसको सप्लाई करेंगी एक ऑप्चरेटर होगी और एक ट्यू पार्ट होगा शैटिक नर्व का इसका एक्शन देखें सो so, ये एक्शन अडक्शन का भी करवाता है अडक्टर पार्ट अडक्शन करवाएगा हैंम्स वाला पार्ट क्या करवाएगा हमारे पास एक्सटेंशन एट हिप ज्वाइंट एंड फ्लेक्जन एट नी ज्वाइंट मीन हमारे पास नी ज्वाइंट पे ये फ्लेक्जन करवाता है और पीछे को हिप ज्वाइंट पे एक्सटेंशन करवाता है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं आपने ऐसे नहीं कहना कि फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन एट हिप और द नी क्या है कि एक्सटेंशन है हमारे पास हिप पे और फ्लेक्जन है नी पे और अडक्शन कहाँ पे करवा रहा है हिप जॉइंट की ठीक है अडक्टर पार्ट की और हेम्स पार्ट का एक्शन भी हो गया नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रेसिलस ग्रेसिलस कहा पर है हमारे पास दिस इज द ग्रेसिलस मसल ये वाला क्या है ग्रेसिलस मसल है ग्रेसिलस कहा पर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है मीडियल मार्जिन ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस इन्फीरियर रामिस ऑफ प्यूबिस एडनिंग पार्ट ऑफ रामिस ऑफ ईशियम मीन प्यूबिस की जो रामिस है और जो उसकी मार्जिन है वहाँ से इसका हो रहा है औरिजन उसके अलावा रैमस ऑफ ईशियम यहाँ से देख लेते हैं ठीक है ये है ग्रेसिलस मीन ये मार्जिनल पार्ट उसके अलावा उसकी जो बॉडी है और रैमस दिस इज द रैमस ऑफ ईशियम नीचे ईशियम ही तो स्टार्ट हो जाती है सो ईशियम का जो रैमस का पार्ट है वहाँ से औरिजन हो रहा है ग्रेसिलस का और इंसर्शन हो रहा है मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया ये टीबिया है और ये फीमर है ठीक है ये क्या है हमारे पास ग्रेसिलस ये जो दरमियान में है ना इन दोनों के दरमियान सार्टोरियस और सेमिटेंडिनोसिस के दरमियान क्या है ग्रेसिलस ठीक है ग्रेसिलस का इंसर्शन हो रहा है मीडियल सर्फेस ऑफ टीबिया पे ठीक है किस किस के दरमियान ये क्या है इट इज फ्रंट ऑफ सेमिटेंडेनोसिस एंड बिहाइंड सार्टोरियस अगेन यहां पे रिलेशन वाली बात आ गई है आपने इसी डायग्राम को देख के इसका रिलेशन बताना है सार्टोरियस के क्या है ये बिहाइंड है मीन उसके पीछे है और सेमी टेंटोनोसिस के फ्रंट पे है इन शॉर्ट ये दोनों के दरमियान में इसका इंसर्शन होता है ठीक है नर्व सप्लाई क्या है इंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्चरेटर नर्व अगेन ऑप्चरेटर नर्व आ गई है और एक्शन क्या है फ्लेक्जन एंड मीडियल रोटेशन मीडियल रोटेशन भी होती है ना हिप जॉइंट पे सो so, ये मीडियल रोटेशन भी करवाएगा उसके अलावा फ्लेक्जन भी करवाएगा ठीक है यहाँ पे अडक्शन का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा नेक्स्ट है हमारे पास पैक्टीनियस पैक्टीनियस कहाँ से राइज होता है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है पैक्टन प्यूबिस से पैक्टीनियल सरफेस ऑफ सुपीरियर रामस ऑफ प्यूबिस एंड फेशिया कवरिंग इट मीन फेशिया कवरिंग पैक्टीनियस तीनों वर्ड जो है नेम से ही इसके ओरिजिन हो रहा है पैक्टीन पैक्टन पैक्टन प्यूबिस पैक्टीनियल सर्फिस ऑफ सुपीरियर रामस ऑफ प्यूबिस उसके अलावा फेशिया कवरिंग दी पैक्टीनियस कहाँ पर हमारे पास पैक्टीनियस दिस इज पैक्टीनियस यहाँ पर होगा पैक्टन प्यूबिस से हो प्यूबिस, जो है प्यूबिस का वहां से राइस होगा उसके अलावा जो फेसिया होगा पैक्टीनियस मसल से के ऊपर उससे राइस होगा तीन चीजें हैं तीनों के नेम में पैक्टन पैक्टन आ रहा है ठीक है इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है इसका लाइन एक्सटेंडिंग ग्रेटर टू ट्रोकेंटर टू लाइन ऑफ एस्प्रा कहा पर है दिस इज ए पैक्टीनियस यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेकर जहाँ पर लाइन ऑफ एस्प्रा का अपर पार्ट है वहाँ पर इसका इंसर्शन हो रहा है पैक्टीनियस का ठीक है किसके ऊपर फीमर के ऊपर नेक्स्ट इसका नर्व सप्लाई क्या है इसके इंटीरियर फाइबर की एक नर्व सप्लाई है दूसरी क्या है पोस्टीरियर फाइबर्स के लिए मीन इसकी भी डुअल नर्व सप्लाई है डबल नर्व सप्लाई है इंटीरियर फाइबर को सप्लाई करेगी फीमोरल नर्व पोस्टीरियर फाइबर को इंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्चुरेटर नर्व ठीक है फिमोरल नर्व जो है वो मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ थाई की नर्व सप्लाई में आती है ना सो so, जो इसका इंटीरियर फाइबर आपने फ्रंट से याद कर लेना उसको फिमोरल नर्व सप्लाई करेगी यहाँ पर क्या थे पोस्टीरियर मीन हैम्स वाला पार्ट था उसके लिए टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक था और जो मीडियल वाली साइड पर सबके लिए ऑप्चुरेटर नर्व है ठीक है जो पोस्टीरियर फाइबर है इसके उसके लिए इंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्चुरेटर नर्व और इसका एक्शन क्या है फ्लेक्जन एंड अडक्शन ठीक है मीन ये वाले फाइबर फ्लेक्शन करवाएंगे और ये वाले जो ऑब्चोरेटर नर्व वाले हैं फाइबर्स ये अडक्शन करवाएंगे ठीक है नेम से ही इनके एक्शन भी समझ में आ जाएंगे ये हमारे पास सारे के सारे मसल्स ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई और द अडक्टर मसल्स ऑफ द थाई इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग